देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पिछले साल की शुरुआत में पूरे देश को झकझोर देने वाली जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए रेप और मर्डर की घटना पर आज फैसला सुनाया गया। 8 साल की बच्ची के साथ करने वाले कुल 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, लेकिन इन सभी आरोपियों की सजा का ऐलान आज दोपहर 2 बजे किया जाएगा। हालांकि पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांझी राम समेत अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है, लेकिन 7वें आरोपी विशाल को बरी कर दिया है। जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनके नाम ग्राम प्रधान सांझी राम, स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया, रसाना गांव प्रवेश दोषी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार। ये है उन आरोपियों के नाम। जबकि 7वां आरोपी सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि मेडिकल परीक्षण से यह सामने आया है कि आरोपी विशाल नाबालिग है जिसकी उम्र 19 साल है। आपको बता दें, आज आसिफा के कातिलों को सजा मिल जाएगी, साथ ही आसिफा को इंसाफ भी, लेकिन एक आरोपी अब भी मौज में रहेगा। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।